लखनऊ में एक घंटे की मूसलाधार बारिश ने खोली लखनऊ विकास की पोल। जरा सी बारिश के चलते लखनऊ के कई इलाके हुए तालाब में तब्दील। ग्राउंड जीरो पर जब हमारे सहयोगी ने लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि जरा सी बारिश के चलते किस तरह जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में बुधवार की दोपहर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग ने मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया था। इस तेज बारिश ने जहां लोगों को उमस और गर्मी से राहत दी तो आफत भी लेकर आई। मूसलाधार बारिश का पानी यूपी विधानसभा भवन में घुस गया। विधान भवन में ग्राउंड फ्लोर में पानी पानी हो गया। सुरक्षा में लगे एटीएस कमांडो समेत अन्य कर्मचारियों को पानी से बचने के लिए जुगत लगानी पड़ी। बारिश के समय यूपी विधान भवन में मॉनसून सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही चल रही थी। इसके खत्म होने पर जब सीएम योगी आदित्यनाथ बाहर निकले तो मूसलाधार बारिश की वजह से विधानसभा में जलभराव हो गया। इसके चलते सीएम को अपना रास्ता बदलना पड़ा। लखनऊ में मूसलाधार बारिश के बाद अब यह आलम है कि पानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर के बाहर भी भरा हुआ है। पानी विधानसभा परिसर में भी भरा हुआ है। पानी सड़कों पर भी भरा हुआ है। बारिश ने लखनऊ के लोगों को परेशान करके रख दिया है। पहले तो इतनी भारी बारिश और उसे खराब जगह जगह जल भराव, यहाँ तक कि नगर निगम के बाहर भी पानी पानी है। वही नगर निगम जिसे नालों की सफाई बरसात में पानी ना भरे इसकी जिम्मेदारी जो होती है नगर निगम की होती है, वहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। विधानसभा के बेसमेंट में पानी ही पानी है। बेसमेंट में जितने भी दफ्तर है वह एकदम जलमग्न है। इस बात से ये तो साफ तौर पर पता चलता है कि जब विधानसभा में ही पानी भरा हुआ है तो जगह नहीं है, बाकी लखनऊ का क्या आलम होगा। बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से मॉनसून सत्र में अनुपूरक बजट रखा जा रहा है, तमाम चर्चाएं चल रही है, लेकिन इस सब के बीच में जैसे ही जोरदार बारिश होती है पानी इस तरीके से अगर भर जाता है, तस्वीर देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके के हालात हो रहे हैं, पानी को किस तरीके से लगता है बाहर निकालने का काम जारी है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि नगर निगम के मुख्यमंत्री में भी पानी भरा हुआ है, विधानसभा के तहखाने में भी पानी ही पानी है, सड़क पर पानी भरा पड़ा है, तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हमारे संवाददाता ने ये मौके पर पहुंचकर पूरी स्थिति का मुआयना किया और लोगों से बात करके उनकी समस्या जानी। लखनऊ में एक घंटे की मूसलाधार बारिश ने लखनऊ के कुछ रिहायशी इलाकों को तालाब में तब्दील कर दिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो है चिकवन नाला अब एक तालाब के रूप में तब्दील हो चुका है। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के थाना सआदतगंज इलाके में और यहाँ पे जो तस्वीरें हैं वो आपको भयभीत करने वाली हैं कि लगातार ये समस्या अब की नहीं है। लोगों की अगर यहाँ की बात माने तो 25, 30, 40 साल से यही समस्या चली आ रही है और लोगों को इसका जो है सामना करना पड़ता है और इसी तरह की एक घंटे की बारिश ने लोगों का माली नुकसान किस तरह से देखने को मिलता है। हमारे साथ में जो है कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह का जो है समस्या का सामना करना पड़ता है यहाँ पे ज़रा सी बारिश को लेकर के, किस तरह से जो है यहाँ पे माहौल लखनऊ की ज़मीन को जो है तालाब में तब्दील कर दिया है। यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह का जो है समस्या का सामना करना पड़ता है, किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है यहाँ पे लोगों को। अच्छा, ये जो समस्या है यहाँ पे जलभराव जो दिख रहा है, ये इसको लेकर के यहाँ पे जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उन वहाँ पे क्या कुछ आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की इस चीज़ को लेकर के? नालों की सफाई नहीं हो पाती कई दिन से। नाले जो है वो पत्थर हटा के पहले सफाई होती थी, अब नहीं हो रही है। दो तीन साल से बहुत कम ऊपर कूड़ा निकल जाता है, अंदर गहराई में सफाई नहीं हो पा रही। नहीं, यहाँ पे ये कब से ये समस्या बनी हुई है? ये तो कितने साल से है, कब से है ये? 20-25 साल से यही समस्या चल रही है। 20-25 साल से क्या घरों में और पानी भर जाता है क्या? जी। अच्छा, सब भर जाता है, काफी भर जाता है। यहाँ के जो पार्षद हैं, पार्षदों को बताया कि यहाँ पे इस तरह की समस्या हो रही, तो पार्षद की तरफ से जो है क्या कुछ आश्वासन दिया गया? बस वो जो है थोड़ा बहुत कूड़ा निकाल लेते हैं, बाकी जो है सब ऐसे रहता है। हाँ, तो आपने सुना जच्चा को कि यहाँ पे जो है खाना पूर्ति करते नजर आ रहे हैं और हालांकि 4 जुलाई को जो है एक्स के द्वारा जो है एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक 4-5 दिन पूरा नहीं उठता यार, रोड पे पड़ा रहता है, सब ढेर लगा रहता है, नालियाँ साफ होती हैं, कूड़ा की ढेर लगा रहता है और उठता नहीं है, बहुत परेशानी है। तो कोई सुनने वाला नहीं है? नहीं, कितनी बार कहा, फोन किया, सभासद से कहा, सब कह चुके हैं। यह सआदत ठाकुरगढ़ लगता है, वो था क्या नाम है सभासद? सआदत, ये वो है एहसन, पार्षद एहसन है। हाँ, और ये सामने वाली लाइन जो है, हाँ। ये असल में ये दो तरफ वाला मामला है। अच्छा। ये एहसन में आ रही है
और ये अल्लाह प्यारे में जा रही है, वो अल्लाह प्यारे में है, वो वाली पट्टी, हाँ ये पट्टी में हम खड़े हुए हैं, ये ऐसन में है, ऐसन जी में है। तो आपने, अरे कभी कभी ऐसन आज तक यहाँ पे आए नहीं देखने, कितनी बार कह चुके हैं देखने तक के नहीं आए, ये समझ लीजिए। तो ये थे यहाँ के निवासी और इन्होंने अपनी तकलीफ को बताया और किस तरह से जो है इनको तकलीफों का सामना करना पड़ता है। यूपी की राजधानी लखनऊ के साथ लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, एटा, प्रयागराज, गाजीपुर समेत उत्तर प्रदेश के 10 से 12 जिलों में भारी बारिश हो रही है। केवल लखनऊ ही नहीं, इन जिलों के सरकारी संस्थानों और महत्वपूर्ण स्थान पानी में डूब गए हैं। बता दें कि लखनऊ में लोग इस बार के मानसून से निराश थे, क्योंकि अभी तक हुई बारिश में लखनऊ वासियों को भीषण गर्मी व उमस से अब तक राहत नहीं मिली थी। वहीं मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बारिश औसत से लगभग 40% कम रिकॉर्ड की गई। पिछले कई दिनों से दिन में तेज धूप निकलने व मौसम में नमी होने के कारण भीषण उमस भरी गर्मी से राजधानी वासी बेहाल नजर आ रहे थे। आज दोपहर से अचानक बादल छाने के बाद हुई झमाझम बारिश ने लखनऊ वासियों को काफी सुकून पहुंचाया। आज सुबह से ही आसमान में बादल छा गए थे, 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल रही थी। अचानक दोपहर 12 बजे के बाद काले बादलों ने डेरा जमा लिया और दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया। फिर उसके बाद झमाझम बारिश शुरू हो गई। मौसम विज्ञान विभाग ने पहले ही गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया था। बारिश होने के बाद भी मौसम विज्ञान विभाग ने लखनऊ वासियों के लिए बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले, क्योंकि बारिश के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। किसी पेड़ के नीचे शरण ना ले, पक्के मकान में ही रुके।